तो कितनी अच्छी है, तो कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ना के एक दादा के अपना लास्ट का दोस्त होता है उसका पोता। दादा का लास्ट का दोस्त होता है उसका पोता, और पोते के पहला दोस्त होता है उसका दादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से गति प्रदान कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, समाना समान अर्थ वाले शब्द। इसके पहले मैं 25 25 लेकर आ रहा था, आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों 35। तैयारी को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपकी तैयारी कितनी है वो कमेंट बॉक्स में बता के जाए कि सर हम भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एकदम नाकाम नहीं होने देंगे, एक बार तो अपन सफल होकर ही बताएंगे दोस्तों। पोस्टर तो बनाना ही है दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और जिस भी भाई बहन ने लाइक कमेंट नहीं किया है कृपया लाइक कमेंट कर दें, ठीक है। वीडियो की शुरुआत, पहला है अंश। अंश यानी होता है हिस्सा, अंश अंश यानी होता है हिस्सा। कहने का मतलब दोस्तों, आपने वो नहीं सुना है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर नहीं दूंगा, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर नहीं दूंगा, यानी हाथ का हिस्सा दे दे, यानी अंश यानी हिस्सा दे दे। ग्रह ग्रह यानी होता घर आवास निकेतन, ये घर के समान अर्थ वाले। घर को क्या कहते हैं? ग्रह यानी को क्या कहते हैं? घर भी कहते हैं, आवास भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नीड़ नीड़ यानी होता घोंसला, अरे वो चिड़िया का घोंसला नहीं होता है क्या? वो कहते हैं तिनका इकट्ठा करके बनाती है ना वो वाला नीड़ यानी घोंसला, और उसको कैसे सिल देती है, उसे बुन देती है भाई साहब, टोकरी बना देती है तगड़ी वाली। आदि आदि यानी होता है प्रारंभ, आदि यानी शुरू करना प्रारंभ करना, ठीक है। तरणी तरणी यानी होता है नाव, अरे नाव नहीं होती क्या दोस्तों? तरणी तरणी उतरणी यानी होती है नाव, जो समुद्र में नहीं चलाते हम, हाँ मछली पकड़ने वाले मछुआरे, वही समझ गए आप, मछली पकड़ने वाले मछुआरे चलाते, वो क्या है? तरणी तरणी यानी नाव। दीन यानी गरीब आदमी के लिए आया है दोस्तों, दीन यानी दीन बंधु, नहीं कहते गरीब आदमी। हाँ वो धेनु गाय, अरे वो कातनी है गाय माता गौंदी खेड़ो गणेश भैंस रान भूतनी पाड़ो पटेल। सुनिए वही धेनु यानी गाय। नाम नाम यानी ना मूल्य, अरे पैसे, अरे मैं BMW लेने चला जाऊँ, स्कॉर्पियो लेने चला जाऊँ, और अपनी क्या कहते हैं थार लेने चला जाऊँ, फॉर्चुनर लेने चला जाऊं, भाई साहब दाम तो है ही नहीं, यहाँ आ गए शोरूम वाले कहेंगे दाम दाम है, पहले दाम दिखाओ फिर घाटी बताते हैं, हैं आगे देखो। दूध यानी होता है दूध पे, आप किसका, गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं, कमेंट बॉक्स में बता के जाना है दोस्तों, अभी कमेंट करें साथ के साथ में कि गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं, दूध या पे। नारी नारी स्त्री महिला, आपकी बहन आपकी मम्मी क्या है? नारी है। निर्जर यानी देवता, निर्जर यानी देवता के लिए आता है निर्जर। निशाचर राक्षस, निशाचर रात में घूमने फिरने वाला आदमी किस किस मान होता है? राक्षस। निशा रात्रि, चर यानी घूमने वाला, रात में घूमने वाला किसके समान होता है दोस्तों? इसके समान होता है, हाँ समझ गए होंगे आप, इशारे कर रहा काफी है, हाँ आप मत घुमा करो रात में इधर उधर, हाँ मेरे दिख मच जाए ना कोई। निशाकार, निशाकार यानी होता है चंद्रमा, यानी रात में कौन चमकता है? चंद्रमा ही चमकता है, सूर्य चमकता है चंद्रमा। प्रबल प्रबल यानी शक्तिशाली, आपको पता होगा दोस्तों शक्तिशाली व्यक्ति से कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता, सब जो जिसे जीत सकते हैं ना उसी से लड़ाई करते हैं, बेचारे को उसी को परेशान करते हैं, दम है तो दमदार व्यक्ति से लड़ दो, हैं हमारे जैसे दुर्बलों के ऊपर क्यों अत्याचार करते हो? निशा निशा यानी रात्रि में बताया ना, निशाचर रात में घूमने वाला, निशा यानी रात्रि यानी रात में रात। निर्माण निर्माण यानी रचना करना, निर्माण करना, जैसे पेन है बोर्ड है इनका निर्माण करना, ठीक है यानी रचना करना। पवन पवन यानी हवा, मैंने आपसे कल भी बोला था दोस्तों, क्या बोला सर कि
पवन यानी हवा के देवता किसे कहते हैं? कमेंट में किसी का आंसर नहीं आया था। हवा के देवता कहते हैं पवन देवता, नहीं होते क्या? हाँ नहीं देखा क्या हनुमान जी वाला नाटक है पवन देवता? पोत्र पोता, पोत्र पोता। दोस्तों आपने सुना होगा कि क्या सुना होगा, वही इंस्टाग्राम पे एक रील फेमस है, कौन सी वाली सर? वही एक दादा के अपना लास्ट का दोस्त होता है उसका पोता, दादा का लास्ट का दोस्त होता है उसका पोता, और पोते के पहला दोस्त होता है उसका दादा। दादा के तो लास्ट का दोस्त होता है उसका पोता, सबसे लास्ट का दोस्त पोता होता है, पोते के साथ घूमता फिरता है, और पोता का पहला दोस्त होता है उसका दादा, यानी दादाजी। ठीक है, इन्हें इंस्टाग्राम नहीं देखते क्या? विपिन विपिन जंगल, विपिन यानी जंगल, यानी जंगल, समझ गए? भारती सरस्वती, अरे अपन कहा सुबह सुबह बोली गाते हे ईश्वर की देवी माँ, हे माँ भारती, वो ही वाली भारती यानी सरस्वती माँ, मातृ यानी माता। अरे वो गाना नहीं आता, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। वाह, श्रमशील श्रमशील का मेहनती। आप सब दोस्तों मेहनती हैं या नहीं है? है ना? अलग देखते हैं, सुख सुख यानी का तोता, सुख यानी क्या होता है दोस्तों? तोता, सब जानते हैं। सखी सखी यानी होता सहेली, भाई साहब सहेलियां, लड़कियों की सहेलियां और लड़कों के भाईला, भाई साहब कमी नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं, गेंग बनाकर रहते हैं और इनकी गेंग ही अलग होती है। भाई साहब सहेलियां क्या करती हैं आपको पता है? खाना पीना भी साथ में बैठ कर खाती है, भाई साहब गोल गंडा बना के हैं। जानकी सीता, अरे जानकी सीता मैया के लिए आया है, अरे जनकपुरी के राजा थे ना इनके पापा, तो जानकी की बेटी का नाम सीता है, जानकी सीता को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इधर देखते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर बता के जाना है सभी दोस्तों को। ठीक है, समान समान होता है बराबर, क्या होता है बराबर। स्वेद स्वेद पसीना, भाई साहब अपन पढ़ाते उस टाइम पे ऐसा पसीना नहीं आता क्या? पसीना पसीना बहा देंगे, लेकिन दोस्तों सपने नहीं टूटनी चाहिए आपके, बस इतनी याद रखनी है। सागर सागर होता समुद्र, क्या होता है समुद्र। हरि यानी विष्णु, हरे अपन कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण हरे विष्णु, वो वाला। सुमन सुमन होता है फूल, क्या होता है फूल। स्वर्ण यानी सोना, सब जानते हैं। स्वच्छ यानी साफ 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 सुथरा। कढ़ाई कढ़ाई होता है कठोर था, मैं आपके साथ में कैसा व्यवहार करता हूँ, गुस्से से करता हूँ या प्रेम से पढ़ाता हूँ, वो भी कमेंट में बता दिया करो रे हैं। प्राचीन यानी पुराना, प्राचीन समय की बात है, बाहुबली से भी पहले की बात है, प्राचीन है ना। सलील सलील होता है पानी, क्या होता है पानी। हाँ दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपके इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों परिचितों के साथ शेयर कर देना, फैला देना है दोस्तों एक बार। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।